द एक्सपेरिमेंट फिल्म की कहानी दो एलिफेंट्स की इमेज से शुरू होती है जहाँ नेचुरल सिलेक्शन लिखा हुआ होता है और फिर कुछ इंसेक्ट्स का एक दूसरे पर अटैक दिखाया जाता है जिसमें पानी में और खुश्की में रहने वाले जानवर भी शामिल होते हैं और फिर अचानक से इंसानों का जानवरों की तरह दूसरे इंसानों पर असॉल्ट दिखाया जाता है जिसमें ब्लडशेड और वायलेंस शामिल होता है। फिर एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ट्रेविस होता है, वो एक एंटी वॉर प्रोटेस्टर है। अगला सीन पब्लिक से शुरू होता है जहाँ पब्लिक स्लोगन्स लगा रही होती है और नो मोर कफन्स और पीस वर्ड के बैनर्स पकड़े हुए होते हैं। ट्रेविस भी इस प्रोसेशन में होता है और एक आदमी से बातें कर रहा होता है। ट्रेविस ने जो साइन बोर्ड पकड़ा रखा होता है उसका उसके ऊपर लिखा होता है ब्रिंग देम होम। इसी दौरान एक लड़की उसी पब्लिक में होती है, उसको एक आदमी पुश करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर ट्रेविस को गुस्सा आ जाता है, वो इस आदमी को पंच मारने लग जाता है कि अचानक से पुलिस आ जाती है और लड़ाई को खत्म कर देती है। वो लड़की ट्रेविस से पूछती है क्या तुम ठीक हो। उसके बाद ट्रेविस की इस लड़की से दोस्ती हो जाती है और बातचीत शुरू करता है। वो इसे बताती है कि वो इंडिया जा रही है। ट्रेविस अगले सीन में अपने रूम में न्यूज़पेपर बैठा देख रहा होता है और उनसे एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जिसमें बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की जरूरत होती है और उसका ड्यूरेशन 2 वीक्स होता है और स्टाफ की जरूरत होती है, जबकि इसमें पे जो मेंशन की जाती है वो $1,000 पर डे है। ट्रेविस इंटरव्यू के लिए जाता है और पास इसके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है जिसका नाम बैरिस होता है। ट्रेविस आदमी को देखकर स्मार्ट मैन कहता है और वो स्मार्ट मैन इसको कहता है कि हम स्ट्रेंजर्स हैं। थोड़ी देर में एक प्राइमरी साइंटिस्ट कैंडिडेट के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए हमें शॉर्ट सीरीज ऑफ टेस्ट को कंडक्ट करना होगा। इससे पहले वो ये बताना चाहता है कि ये वाली चीजें जो है वो आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाएंगी और ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स को सिविल राइट से महरूम रखा जाएगा। उसके बाद वो सबको कहता है चलिए टेस्ट लेते हैं। ट्रेविस और इसके साथ दूसरे मेंबर्स के सामने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को पोस्ट किया जाता है, जैसे कि ट्रेविस के सामने वॉयलेंस का वर्ड लिया जाता है और वो नो कहता है। उसके बाद रिलीजन का नाम लिया जाता है तो वो नो कहता है। इस पर साइंटिस्ट कहता है ये तो एक ब्रॉड एरिया है। इसी तरह ट्रेविस और बैरिस से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं और इसके बाद ट्रेविस को एक रूम में बिठा दिया जाता है। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे वॉयलेंस स्क्रीन सीन्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस कुछ वक्त अपने दोस्त के साथ गुजारने के बाद नेक्स्ट डे उसी जगह पर दोबारा पहुंच जाता है। वहाँ बैरिस को भी देखता है और बैरिस उसे देखकर कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई है। इन सब में से ज्यादातर लोग जॉबलेस होते हैं और परेशानी का शिकार होते हैं और वो इस चीज को मानते हैं। उनसे प्राइमरी साइंटिस्ट दोबारा कम्युनिकेट करता है, इसके बारे में बताता है कि आने वाले 2 वीक्स में आप सबके लिए तजुर्बात है। फिर कहता है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आप में से कुछ लोगों के पास सिविल राइट्स ले लूंगा और अगर आप अभी छोड़ना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी चांस है। फिर पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद लीडर गुड कहता है और फिर कहता है कि आपकी सेफ्टी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी और आपकी तरफ से कोई वायलेंस हुआ तो एक्सपेरिमेंट फौरन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर लीडर सबका नाम बोलता है और नाम लिए जाने वाला पर्सन खड़ा हो जाता है और एक अलग ग्रुप बन जाता है, जबकि बैठे हुए लोगों को एक अलग लाइन को फॉलो करने का कहा जाता है। इसी तरह वो साइंटिस्ट गुड लक जेंटलमैन कहकर चला जाता है। बैरिस की टीम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं क्योंकि बैरिस की टीम गार्ड टीम होती है जबकि ट्रेविस की टीम प्रिजनर्स की होती है। जबकि बैरिस की टीम को ये कहा जाता है कि इन प्रिजनर्स के लिए कुछ 5 क्रूशियल रूल्स हैं। इनमें से इनको रूल्स बताए जाते हैं, जैसा कि प्रिजनर्स को सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में ही रहने की इजाजत है और फिर बताया जाता है कि उनको 3 वक्त का खाना मिलेगा और खाने के बाद इनको अपनी प्लेट्स को साफ करना होगा। 30 मिनट की इनके पास रिक्रिएशनल टाइमिंग होगी जिसमें वो अपनी रिक्रिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रूल्स बताए जाते हैं, साथ में इस वार्निंग के साथ जिसने रूल्स ये तोड़ दिए तो उसको पनिश किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट और ये भी बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, अगर किसी ने एक ने भी रूल तोड़ा तो ये सब पर लागू होगा और अगर 30 मिनट के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया पूरे स्टाफ में से जो कि ग्रुप मेंबर्स हैं अगर फेल हो गए तो फौरन रेड लाइट जल जाएगी और एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। फिर साइंटिस्ट कहता है अब मैं तुम्हें 2 वीक्स के बाद मिलूंगा। फिर बैरिस के ग्रुप में से एक मेंबर सबको बताता है कि अपने कपड़े अपने दिए गए नंबर्स के मुताबिक पहन लें और जो भी सेल असाइनमेंट सीख गई है वो इनके सेल के साथ अटैक कर दी जाएंगी। फिर सब अपनी अपनी सेल्स में मूव करते हैं और वहाँ कैमरास भी लगे होते हैं जिसको ट्रेविस देखता है। ट्रेविस के जो पार्टनर होते हैं बेंजी और निक्स होते हैं जो कि इसके प्रिजनर मेट्स होते हैं। इसके बाद अगले सीन में बास्केटबॉल खेलने का टाइम आ जाता है। अब प्रिजनर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं कि एक प्रिजनर बास्केटबॉल गार्ड को मार देता है और इसके हॉर्न पे लगने की वजह से इसके हॉर्न से खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन गार्ड रूल के तहत कोई रिएक्शन नहीं दिखा सकता और इसे कहता है कि 30 मिनट में डिसिप्लिनरी एक्शन हम ले सकते हैं। वो अपने फेलो से बात करता है लेकिन वो नहीं लेते। फिर गार्ड्स का एक मेंबर इस प्रिजनर से जिसने गार्ड को जख्मी किया होता है आराम से 10 पुशअप्स निकालने का कहता है और सब प्रिजनर को भी यही करने का बोला जाता है, वो इनकी एक सजा होती है और सब 10 पुशअप्स लेते हैं। गार्ड्स के रूम में कैमरा लगे होते हैं जिसमें प्रिजनर की तमाम एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं। इसके अलावा सारे प्रिजनर्स को गार्ड्स खाना सर्व करते हैं क्योंकि ये अब सेकंड डे होता है। इसमें एक चीज प्रिजनर्स को बहुत एक पसंद नहीं आती, लेकिन रूल के मुताबिक फूड प्लेट्स को साफ करना जरूरी होता है। ट्रेविस अपने कुछ प्रिजनर्स के साथ अपनी प्लेट साफ नहीं करता और गार्ड्स को जब फोर्स करता है तो वो अपनी प्लेट को गार्ड के हाथ पर उलट देता है और कहता है कि ये देखो मैंने प्लेट को साफ कर दिया। गार्ड का लीडर आवाज दिखाता है कि इन्हें और पुशअप करने होंगे। इस पर एक प्रिजनर एक खाने वाली चीज उठाकर उसके मुंह पर मार देता है जिससे कहता है कि ये लो ये कर दिया मैंने पुश। जब वही गार्ड इन पर एक चीज खाने वाली मारता है तो सारे प्रिजनर सारी चीजें उठाकर उन पर फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे गार्ड्स भाग जाते हैं और प्रिजनर जोर से आवाज लगाते हैं कि ये हमारा घर है और फिर खुश हो जाते हैं। अगले सीन में सारे गार्ड्स आपस में रूल्स की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बैरिस एक प्लानिंग करता है कि हमें प्रिजनर्स को ह्यूमिलेट करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। ये कहकर वो प्रिजनर्स के सेल में एक फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देता है और फिर ट्रेविस को बैरिस हैंडकफ से प्रिजनर सेल से एक डोर के साथ लॉक कर देता है क्योंकि उसने ट्रेविस से बदला लेना होता है। ट्रेविस के बोलने पर बैरिस इसे शटअप बोलता है, फिर उनकी आवाज में कहता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए और सबको समझा देता है।
फिर जोर से आवाज लगाता है, क्या सब समझ गए हैं? तो सब यस सर की जवाब देते हैं। फिर बैरिस मिरर के सामने जाता है और अपनी आप को देखकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ ट्रेविस परेशान और गुस्से की हालत में होता है। अब प्रिजनर की आवाज आती है, जो कि इसका प्रिजनर मेट होता है, कि वो कहता है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है। जब वो गार्ड्स को ये बताता है तो गार्ड्स इसे चुप रहने का बोलते हैं। ट्रायल के तीसरे दिन बैरिस सब प्रिजनर से कम्युनिकेट करता है और कहता है कि अब 11 दिन रह गए हैं, हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि हर कोई खुशी खुशी अपने घर जाए। फिर पूछता है कि प्रिजनर नंबर 61 कहाँ है। जब बैरिस अंदर दूसरे गार्ड के साथ जाता है तो वो प्रिजनर बीमार होता है, जिसका नाम बेंजी होता है, और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। बैरिस से उठने का कहता है, लेकिन ट्रेविस इसकी हिमायत कर देता है और इसकी बीमारी का बताता है। लेकिन गार्ड ये नहीं समझता और कहता है कि रूल्स रूल्स होते हैं। ट्रेविस कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा अगर हमने एक दूसरे को हाँ पहुंचाया। फिर गार्ड आवाज लगाता है कि अपने सेल्स में दोबारा वापस चले जाएं और सबको बंद कर दिया जाता है। अब ट्रेविस बहुत परेशानी की हालत में सेल के साथ लॉक्ड होता है और उसको अपने दोस्त को इमेजिन करने लगता है। फिर अपने प्रिजनर मेट से भी बात करता है। दूसरी तरफ गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई हर्ट हुआ तो एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा और हमें पे भी नहीं किया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि दूसरे तरीके से इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। इसी तरह बैरिस एक और प्लानिंग करता है। वो चुपके से ट्रेविस से बदला लेने के लिए रात के वक्त उसको सेल से निकलवा लेता है और एक जगह पर जाकर कुर्सी से बंधवा देता है। फिर इसके बाद शेविंग मशीन से इसके हेड की शेव कर देता है और उसे बदला लेता है। फिर इसकी कुर्सी पर जोर से हिट करता है, जिससे ट्रेविस दूर जा गिरता है। ट्रेविस को बहुत ज्यादा डिसऑनर किया जाता है। जब ट्रेविस अपनी सेल में वापस आता है, उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो खामोश रहता है। बेंजी जो था, वो जो बीमार था, उसको ट्रीट नहीं करवाया जाता और ना ही खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता। ट्रेविस चुपके से ब्रेड को स्टील करता है और उसके पास ले जाकर उसको खाने के लिए दे देता है। रात का वक्त होता है, गार्ड में से एक मेंबर जो कि इंजस्टिस होता हुआ नहीं देख पा रहा होता, वो ट्रेविस की मदद के लिए आता है। ट्रेविस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बेंजी का बैग ला दे, उसमें से इंजेक्शन और इंसुलिन ला दे, और अगर उसे चाहिए तो उसको पैसे भी दे देगा। लेकिन वो गार्ड पैसे लेने से इनकार कर देता है और चुपके से उस रूम में जाता है जहां बैग रखे होते हैं। वहां जाकर बेंजी के बैग को ढूंढता है और वहां से इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर निकलता है। जबकि दूसरी तरफ बैरिस कैमरास के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है, जल्दी से अपने उसी गार्ड के पास पहुंच जाता है जो ट्रेविस की मदद कर रहा होता है। उसको डरा धमकाकर पूछ लेता है कि उसे ऐसा करने पर किसने बोला, और वो सब कुछ बता देता है। इसी तरह बैरिस इंसुलिन और इंजेक्शन लेकर खुद सेल में जाता है और बेंजी के बिस्तर पर रख देता है और ट्रेविस को घूर से घूर कर देखता है। नेक्स्ट डे में ट्रेविस को बैरिस लीडर के पास लाया जाता है। फिर ट्रेविस को वायलेट करने पर टॉयलेट साफ करने का कहा जाता है। ट्रेविस नहीं मानता और इसे मजबूर किया जाता है कि वो कहे कि आई एम अ प्रिजनर। ट्रेविस इसकी बात नहीं मानता और बाहर में जाओ बोलता है। ट्रेविस को सजा के तौर पर इसका मुंह टॉयलेट में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्रेविस ये सब सहने के बाद भी बैरिस को कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओ। लेकिन एक बार आखिर में आकर ट्रेविस हार मान जाता है और कह देता है कि आई एम अ प्रिजनर। नेक्स्ट सीन में ट्रेविस को रोते हुए दिखाया जाता है और वह बेबसी की हालत में होता है। कैमरे से हर चीज कैप्चर की जा रही होती है। दूसरी तरफ बैरिस रात को इस गार्ड को उठाता है जिसने ट्रेविस की मदद करने की कोशिश की होती है, और उसको दूसरे रूम में ले जाकर दूसरे गार्ड से वायलेंस करवाता है। पांचवें दिन इसी गार्ड को प्रिजनर के सामने लाया जाता है और उसके मुंह से जब कपड़ा हटाया जाता है तो इसका मुंह खून से भरा होता है और वो जख्मी होता है। बैरिस इसको प्रिजनर नंबर 76 का नाम देता है। ट्रेविस सब सुन रहा होता है और अपनी शर्ट उतारकर उसे जमीन पर फेंक देता है, और इस तरह ट्रेविस को देखा देखी सारे इसके प्रिजनर्स अपनी शर्ट्स को नीचे फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेविस आगे बढ़ता है और कैमरा की तरफ जाता है और नीचे गिर जाता है। बैरिस इसको वायलेट करता है और ब्रूटैलिटी दिखाता है, जबकि बेंजी इसको बर्दाश्त ना करते हुए बैरिस को हिट कर देता है। जैसे ही बैरिस मुड़ता है और बेंजी को जोर से मारता है, जिससे बेंजी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और जख्मी हो जाता है। अब बेंजी जमीन पर गिरा मोशनलेस होता है। ट्रेविस को एक आइसोलेटेड आयरन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और इसके अंदर भी एक कैमरा लगा होता है। अब गार्ड्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन बैरिस अपनी ब्रूटैलिटी दिखाता रहता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। छठे दिन भी ट्रेविस इस आयरन बॉक्स में कैमरा की तरफ देखकर हंसता रहता है और दूसरों को ही दिखाता रहता है कि उसको कोई कुछ नहीं हुआ, और हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार अपने ब्रेसलेट की मदद से वो उस आयरन बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है और आजाद हो जाता है। बाहर निकलकर वो अपने प्रिजनर्स को आजाद करवाता है और गार्ड्स पर हमला करने की कोशिश जारी रखते हैं। एक प्रिजनर आकर ट्रेविस को एक आयरन स्टिक पकड़ाता है ताकि वो इससे दूसरे गार्ड्स पर हमला करे। कैमरास को देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि तमाम प्रिजनर्स आजाद हो गए हैं। इनमें से एक गार्ड कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि बैरिस एक नाइफ उठा लेता है और कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। सारे प्रिजनर वायलेंटली ग्लास डोर को बीट कर रहे होते हैं। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है। सारे गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, जबकि बैरिस इनके पीछे पीछे होता है। प्रिजनर्स इनके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, जैसे वो इनकी जान ले लेंगे, और गार्ड से शटर ओपन नहीं होता ताकि वो बाहर निकल सके। इतनी देर में प्रिजनर्स वहां असॉल्ट कर देते हैं। बैरिस ट्रेविस को नाइफ मारता है, जिसे वो हाथ से नाइफ को पकड़ लेता है, और बैरिस खौफ से नाइफ को छोड़ देता है। इसके बाद ट्रेविस बैरिस को बहुत बुरे तरीके से मारता है। दूसरे प्रिजनर दूसरे गार्ड्स को मार रहे होते हैं। इतने देर में रेड लाइट जल जाती है, जिसका मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट रूल के मुताबिक ओवर हो चुका है। अब बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है और बाहर का साइड नजर आ जाता है। बहुत दिनों बाद परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं और रोशनी दिखती है। सब जख्मी हालत में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं और जमीन पर परेशानी की हालत में बाहर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वही बस आती है जिसने इन्हें यहाँ ड्रॉप किया होता है। सब इसमें बैठ जाते हैं और अपने अपने ड्रेसेस को भी वेयर कर लेते हैं। बस में बैठा हुआ बैरिस अपना चेक हाथ में लिए होता है, जिसपे $14,000 का होता है। लेकिन बैरिस परेशान होता है, ट्रेविस को देखता है। अब सबको पे कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट रहे होते हैं। मीडिया में भी न्यूज आ जाती है और जाहिर हो जाती है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी और तमाम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई हो गए हैं। अब ट्रेविस हिंदुस्तान चला जाता है। ट्रेविस एक लेक नजदीक बैठा एक औरत को देख रहा होता है, जो कि पानी से अपने बच्चे का मुंह साफ करती है, और थोड़ी देर बाद ट्रेविस की दोस्त पीछे से आ जाती है, सुकून से मुस्कुराता है और दोनों मिल जाते हैं।